करना चेंज। दिक्कत ऐसी है कि स्लैग पूल पता तो है क्या होता है, हो नहीं पा रहा, लेकिन आंखें हुई लाल, मुंह भी हुआ लाल। भाई देखो मैं समझ गया हूं, लॉग स्लैग दिक्कत है ब्रो, स्लैग पुल। आप स्लैग पुल कैसा लग रहा है भाई? सिंपथी ले रहा है, सिंगा है अपना, सिंगा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्कआउट भी कर रहे होंगे। जो लोग नहीं कर रहे हैं तो भाई करना शुरू कर दो भाई, बड़ा ज़रूरी होता है। एंड आज हम लगाएंगे डेडलिफ्ट्स, काफ़ी टाइम बाद यार। डेडलिफ्ट्स और मेरा ना यार मतलब बड़ा दिक्कत ही आती है, ठीक है, मेरे को काफ़ी टाइम से थोड़ा अनलक्की भी रहा हूँ डेडलिफ्ट्स के मामले में। मतलब कुछ ना कुछ इंजरी हो ही जाती थी, तो 4-5 महीने से मैं नहीं कर पा रहा था ढंग से। 1-2 सेशन लगाए, कोई इंजरी हो गई या फिर पुरानी ही जो इंजरी है वो रिकवर नहीं हुई। स्क्वाट्स तो लगा लेता हूँ, बट जो डेडलिफ्ट की पोजीशन है उसमें थोड़ा मतलब यू नो झुक के बार को उठाना होता है, तो उस एंगल में मेरे को हमेशा बैक पे इंजरी हो जाती थी या फिर कोई स्टिफनेस या कुछ भी मेरे को दिक्कत रहती थी। तो मैं मोबिलिटी एक्सरसाइज वगैरह करता रहता था। मोबिलिटी एक्सरसाइज भी दिखाऊंगा जो कि मैं कर रहा था इतने टाइम से, ताकि जो मेरी बैक की इशू है वो सॉल्व हो जाए और मैं नॉर्मल डेड लिफ्ट कर पाऊँ, क्योंकि मैं बड़ा मिस करता हूँ यार डेड लिफ्ट करना भाई। उसमें जो मज़ा आता है ना, वो किसी में नहीं है यार भाई। भाई मैं तुम्हारे को एक चीज़ बताता हूँ, लड़कियाँ ना ऐसे फालतू में बोलते हैं कि उनके नखरे वगैरह होते हैं। मेरे को नहीं पता यार ज़्यादा, मैं लड़कियों से दूर ही रहता हूँ, है ना भाई। कुछ लौंडे होते हैं उनके ज़्यादा नखरे होते हैं, जैसे ये है भाई। इस बंदे ने बेल्ट दी SBD की, अभी बोलता चुपती है मेरे को, मैं 1RM नहीं करूंगा। अब देखो मर्द को दर्द नहीं होता साला, भाई मैं चुपती नहीं, भाई चुपती नहीं है भाई बेल्ट वो। तो क्यों नहीं मतलब पहन रहा SBD में, क्या दिक्कत? जब मेरा उसमें बैठा है वो, उतनी ब्रेस क्या बैठा है उसमें, उतनी ब्रेस बैठी हुई है। एस्कॉर्ट बहाने बहाने देख रहे हो भाई, बहाने बोलते इसको। मैं बोल रहा हूँ यार भाई, होते कुछ लौटने का, तुम बेल्टलेस मार दो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? ये देख बेल्टलेस की क्या बात है भाई, भाई इंसान USA में मारेगा अब से, अब से इसकी हर प्यार USA में। USA बराबर कोई बेल्ट, बस इंडिया उसी में बनेगी प्यार, ठीक है। बट यार लिटरली भाई फायदा क्या हुआ यार इतनी महंगी बेल्ट लेने का? तो मैं मार रहा हूँ उसमें स्पॉट, और मेरी पुरानी बेल्ट है, मेरे को उससे लगा हुआ है अटैचमेंट है, तो मैं इसलिए उसमें मारता हूँ, खत्म। यार अभी मैं जिम पहुंचा हूं और मैंने देखा है कि सिर्फ डेडलिफ्ट्स नहीं है भाई, आज बेंच भी है। पता नहीं कैसे मैंने वर्कआउट को देखा ही नहीं, आज का क्या प्लान था यार। और बेंच काफ़ी हैवी, बेंच का सेशन आज डेडलिफ्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई भाई साहब देखो, तुम्हारे को मैं दिखाता हूँ। शिवम कितना टाइम लगेगा भाई? परेशान हो चुका है बड़ा, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का भाई ऐसा ही है। तो दूर है ना? नहीं साले तू भी तो भाई देखो भाई, ये भी बंदा रिलेशनशिप है, मैं ही हूँ यहाँ पे जो सिंगल है। देख रहे हो भाई जिम आके भी भाई ये बस बंदी के साथ ही लगा हुआ है भाई। इसी वजह से मैं सिंगल रहता हूँ, इसी वजह से मैं बोलता हूँ भाई सिंगल रहा करो, कोई जरूरत नहीं है भाई, ये देख लो भाई। तो भाई शिवम तो अभी भी बंदी के साथ लगा हुआ है, पत्नी किसके साथ लगा हुआ है भाई। मैं तो कर रहा हूँ अपना वार्म अप शुरू और फिर अपना सेट मारना शुरू करता हूँ भाई। वेट लगाने में अपना भाई मेरी मदद करेगा, तो मिलते हैं भाई। तुम्हारे को थोड़ा सा वार्म अप दिखा दूंगा, थोड़ा सा नहीं यार भाई, तुम्हारे को मैं दो सिर्फ इंपॉर्टेंट वार्म अप दिखाऊंगा जो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड उसके बाद तुम्हारे को दिखाता हूँ यार मैं डेडलिफ्ट कितने तक जा सकता हूँ। वैसे मैंने सोचा है 177 या 180 फॉर 3 repetition पॉज्ड मारने हैं RP 8 पे, ठीक है। देखते हैं आता कि नहीं आता है, आता है तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं आता है तो फिर क्या कर सकते हैं, अगली बार ही आ जाएगा। भाई जो मैं अभी वार्म अप बता रहा हूँ आपको, तो ये बेसिकली ग्लूट्स को एक्टिवेट करने के लिए है, हैमस्ट्रिंग्स को भी, और जो इम्बैलेंस जैसा होता है ना बॉडी में उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे फ्रेम में भी आ रहा है, ठीक है। तो देखो यार ये ट्राई करना आपने, ऐसे स्टेप लेना है एंड पहले तो नॉर्मल स्टेट पर करना, फिर थोड़ा सा अपने आप को इसे लीन करो और जो ग्लूट्स है उसको मतलब मसल माइंड टेंशन बनाने के लिए ट्राई करते हैं। उसके बाद ऐसे नीचे ऐसे नीचे ग्लूट्स को एक्टिवेट करना, ठीक है, ये और
मसल माइंड कनेक्शन बनाना इसमें डिफिकल्ट होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उस पर अगर मसल माइंड कनेक्शन आप अच्छे से और पंजा ग्लूट्स और हैम्स के साथ और आप स्टेबल कर पाते बॉडी को, तो इसके 10 रेपिटेशन दोनों तरफ और सेम ऐसे आगे भी सारी गेम में मसल माइंड कनेक्शन की होती है। आपको अपना सारा फोकस कोर पे करना है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ब्रेस करना है, ठीक है, टाइट करना है बॉडी को। ब्रेस का मतलब होता है सर, मतलब देसी भाषा में आपको आपके सांस भर लेती है। तो आपको यहाँ से बाहर को पुश करना है, मतलब ठीक है, देखो भी और साइड वाली तरफ को भी, और उसको होल्ड करके रखना है ना, ऐसे करके। इस चीज की रेपिटेशन आपको करनी है 12 रेपिटेशन, 3 सेट कर लो। और यानी सारी चीज ना मसल माइंड कनेक्शन के ऊपर होती है। आपको स्टार्टिंग में मे बी अजीब सा लगे, बट आपको क्या करना है, सांस भरनी है, इसको एकदम से टाइट कर देना है बॉडी को, और उस पोजीशन को होल्ड करना है, उसका रिलीज कर देना है। ऐसे ऐसे 10-12 रेपिटेशन करो। एंड भाई जिसका कोर जितना ज्यादा स्टेबल और टाइट होता है भाई, लिफ्टिंग बहुत आसान हो जाती है और इंजरी भी नहीं होती है। आज का कोच है हमारा शिवम लिफ्ट, और मैं और तरु सीख रहे हैं भाई से। भाई मेरे को फाइनली चीजें पता लग रही है कि मैं जो स्क्वाट इतनी सॉरी कि भाई स्क्वाट इतनी तगड़ी होने के बाद लैट्स भी तगड़ी है भाई, पुल तो है ना भाई, स्लैट पुल एक इतना क्रूशियल चीज है। मैं ये किसी को नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा, पर दो तरह की लिफ्टिंग होती है, एक होती है गधों की तरह वेट मारना, और एक होती है, आपको नहीं बोल रहा भाई, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, एक होती है गधों की तरह वेट मारना, एक होती है खुशहाल की दिमाग से वेट मारना। आपको दिमाग से मारो, उठाओ मत, कमरों में लोड मत डालो, अपनी ताकत है, सिखाने का चाहिए, टेक्निक है। आपको नहीं बोलना यार, मैं जनरल ही बोल रहा हूँ। अरे भाई पब्लिक को दिखाना है ना भाई, पब्लिक को दिखाना है, पब्लिक को ही बोल रहा हूँ भाई। सिखाओ, चलो अभी आप जब जमा करते हैं ना, आपको हिप नीचे के लिए लाना है, उस पर लोड दो लैट्स पे, ठीक है? एंगल ठीक है, तुम ठीक करा एंगल क्या बाहर ही आ रही है, तो वहां नहीं आ रही, तो कहीं ले जा अच्छी सी जगह, इसको दूर ले जाओ, उठ जाओ, अपने लो उठा लो उसको, हेलो नहीं चलो हेलो नहीं हेलो हेलो चलो ठीक है। तो ग्लूट्स नीचे नहीं ले जाना, नहीं ले जाना आपने, बस आपको अपने बैक पर हाथों पे ध्यान देना, आपको ये कि ये भी नहीं मारनी है, बस नहीं ग्लूट्स नीचे लाने हैं, नहीं अबे को देखे भाई, आपके ग्लूट्स भी एक्टिवेट हो जाए, आपको मालूम होता है ताकत नहीं ला रहे, चलाओ यहाँ से वेट चलाओ, उसको छेड़ना ही है, चलो समझे वो भी भाई वार्म अप में पसीना निकल गया, देखा मैंने
आज दोस्त ने एक मिनट भाई बोलने दे, है ना, गलती निकाली है स्लैग पुल। अब दिक्कत ऐसी है कि स्लैग पुल पता तो है क्या होता है, हो नहीं पा रहा, लेकिन तो आप ढंग से सीख ही लेंगे क्योंकि बोल भाई इसकी डेडलिफ्ट वगैरह अच्छी है, सेंस भी अच्छी है इसको, तो बोल रहा स्लैग पुल अच्छा हो जाएगा तो भाई डेडलिफ्ट हो जाएगी। एंड आज बैक भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स कर रही है, मैं सच बताऊँ बिल्कुल बेस्ट नहीं दे रही, बट 80-90% ठीक है, मैं मतलब कोई एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है मैं बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल हैवी नहीं जाऊँगा, बट चलो देखते हैं अभी अच्छे से सीखते हैं, होपफुली स्लैग पुल ही दिक्कत है। और कोई दिक्कत दिख रही है अभी तो नहीं दिख रही है, क्योंकि इतना तो मैं भी समझता हूँ, तो और कोई मेजर कोई दिक्कत नहीं लग रही है, ठीक है, तो सीखते हैं ढंग से, उसके बाद आपको टॉप सेट ही दिखाऊंगा डायरेक्ट। मान में आइए चौक लगाओ हाथ पर उड़ा दो, चेक करने दे रहा बस भाई, नहीं भाई फुल रिकॉर्डिंग होगी, पीआर तो नहीं है भाई, भाई पीआर ही है भाई, अभी किला भी तो 120 तक 150 मारोगे पीआर, देख लो भाई स्क्वाड का पीआर 215 के आसपास पहुंच गया होगा, लेकिन अभी भी हम इतने ग्राउंडेड है कि क्या है। एक चीज हम हमेशा कॉम्प्यूटर को ऐसे देते हैं हमेशा, जाओ जीतो तब भी नहीं जीत पाते, वो बात अलग है क्या, नहीं यार तो और किसकी बात कर रहा हूँ ना ना, चलो 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 स्लैग करना है, चलो ढंग से लगना है, ध्यान दे स्लैग पे, स्लैग नहीं आया, अब आएगा स्लैग, अब आ गया एक्चुअली, थॉट इतनी टाइट है कि हां ये चीज ओ पता यार बहुत बढ़िया, ये वीडियो में भी समझ नहीं आ रहा होगा भाई, सच बता रहा हूं चल रही वीडियो भाई, वीडियो में समझ नहीं आ रहा होगा, बाद में समझाऊंगा अच्छे से, लाइट वेट में अभी हम थोड़ा कर लेते हैं वर्कआउट, वरना गपशप में एनर्जी सारी चल जाती है। ये मारेंगे भाई 170 कैसा लग रहा है भाई, गांड फटे तो तुम्हें कौन मारते, आंखें हुई लाल मुंह भी हुआ लाल भाई देखो मैं समझ गया हूँ, लॉक तो अच्छा होता है यहाँ से ऊपर, लेकिन ग्राउंड क्लियर ही नहीं हो रहा, स्लैग दिक्कत है ब्रो, स्लैग पुल, आप स्लैग पुल को अलग से बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हो भाई, स्लैग पुल ऐसा नहीं होता, स्लैग पुल सपोर्टिव चीज होती है भाई, वो मेन चीज नहीं होती, आप मेन की तरह मार रहे हो, स्लैग सामने से देखा लॉक ऑफ देखा तुमने सही हो रहा है, मतलब यहाँ से बाजू हाँ लॉक अच्छा हो रहा है भाई, पॉज मार के वो भी, बट जो ग्राउंड क्लियर है नहीं करनी भाई, यहाँ पे ये बार इतनी डिपेंड हो रही है, कहाँ पर पार कर रही है, पर जब लिफ्ट स्टार्ट हो रही है बार फिर अपनी नॉर्मल जगह से उठा के, हाँ मैं वो ना एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, अब देख तू वीडियो में देखेगा यहाँ पे, ये देख के दिक्कत हो रही है भाई, एक ये साला निकली हरियाणवी, आजा आजा बैठ जा, क्या हो गया भाई, बावड़ी पूछ सके भाई, सिस्टम अपना सिस्टम मतलब डेड लेफ्ट का सिस्टम, लॉग आउट देखियो इतना ग्राइंडर रहा था, पीआर मारो अरे यहां से स्पीड, यहां से स्पीड नहीं रहता ना, जो बात आ रही है यहां भाई, मैं सच बताऊं देखो मेरी आ रही ठीक शक्ल आ रही है भाई, फालतू की बात नहीं करूंगा, अगर मैंने 1.5 साल पहले 200 किलो मारी होती, अगर मैं 180 किलो में ऐसा स्लो हग रहा होता, छोड़ देता छोड़ देता भाई, छोड़ ही देता भाई, तो भाई ऐसे बंदे भी होते हैं यार, कहां तो भाई बंदे को अपलिफ्ट करना चाहिए होता है, मैंने सुनो तो सही, इस बंदे के पास घर में रहने को घर नहीं था, मैंने उसको और मेरा अब मेरी कोई दिक्कत आएगी तो बंदा देखो ऐसे पब्लिक के सामने भाई, तो कैमरा स्विच कर रहा है, सिंपैथी सिंपैथी भाई, सिंपैथी सिंपैथी ले रहा है, सिंगर है अपना सिंगर, अगर इनकी पूरी यूट्यूब वीडियो में एक डिसलाइक बजेगा तो मैंने मारा कौन सा ऑन कर दी भाई, इन सबको मेरे से चैलेंज है, ठीक है सबको जो भी है
170 किलो लगा हुआ है, इधर दिखा दे भाई। अरे इधर कहा प्लेट है, ये प्लेट। ठीक है हम ये चैलेंज नहीं करते, अब मैं करके दिखाऊंगा। अब मेन चीज देखो, ये भाई बेइज्जती रिकॉर्ड हो गई, दो बारी करा ली। आ गई शर्म, हाँ भाई आ गई शर्म तेरे को। तीसरी बार। हेलो गाइस, तो भाई मैं वर्कआउट करके घर आ गया था एंड मैंने एसेसरीज वगैरह रिकॉर्ड नहीं करी थी बिकॉज यार क्राउड आने लग गया था जिम का एंड दोस्त भी आने लग गए थे, तो यार मतलब नहीं कर पाया मैं रिकॉर्ड ढंग से, तो फिर मैंने स्किप ही कर दिया वो। भाई हमने डिसाइड करा है कि मैं मीडियम वेट से या लाइट वेट से 110, 20, 30 या मैक्सिमम 140 केजी तक वही ग्राउंड क्लियरेंस पे रेपिटेशन वर्क करूँगा कि उसको मसल माइंड कनेक्शन मेरा उस पर अच्छा बन जाए एंड स्लैक पुल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उस पर काम करूँगा अच्छे से 2-3 हफ्ते, फॉर्म को अच्छे से सीखूंगा, ग्राउंड क्लियरेंस पे काम करूंगा। बाकी लॉकआउट तो मेरे को लग रहा है कि मैं 215-220 केजीज तक मेरे बॉडी अलाउ कर रही है अभी फ़िलहाल, तो एक ठीक ठाक नंबर है यार। ठीक है, तो उस पर काम करते हैं एंड होपफुली डेडलिफ्ट पे भी आने वाले टाइम में मैं बड़े बड़े पीआर्स मारूंगा। कोई ना यार, मेहनत करते रहेंगे एंड कोई नहीं, ऐसे चैलेंजेस आएंगे लाइफ में तो देखते हैं फिर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चेंज